प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं विनोद जांगड़ा आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिटर की जो फिटिंग की जो हमने तैयार किया लेटेस्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। विद इन क्वालिटी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे तैयार किया हुआ है। उसकी जो प्रैक्टिकल हमने जो बनाई थी उसकी वीडियो भी मैंने एक पहले अपलोड की हुई है। उनकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जॉब के विद इन प्रैक्टिकल हमने 16 जॉब बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करिए, एक एक जॉब को जॉब दिखाइए आप कैसे कैसे तैयार की गई। ये देखिए जॉब, ये देखिए की है और एक ये सप्लाइन की काटी हुई है, इसके अंदर ऐसे हम इसको फिट कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें फिटिंग की हुई है। और ये देखिए यहाँ पर इसकी जॉब की फिनिशिंग, ये देखिए बिल्कुल कितनी एक्यूरेसी के अंदर तैयार किया हुआ। अंदर का रेडियस देखिए कैसे फाइलिंग के द्वारा तैयार करके इन्होंने निकाला हुआ है। और ये देखिए ऊपर से हम जब इसको फिट करते हैं, ये देखिए पूरा इंटरचेंजेबिलिटी इन्होंने बनाया है, क्योंकि थोड़ी टाइट है फिटिंग, क्योंकि रेडियस घूम जाता है। इस वजह से मैं आपको एक एक जॉब क्लियर करूँगा। ये देखिए बिल्कुल 16 की 16 जॉब हमने एक ज़बरदस्त तरीके से तैयार करवाई है बच्चों से। इनका जो बनाने का जो विधि थी वो भी एक वीडियो मैंने डाली हुई है कैसे कैसे। इसमें देखिए थोड़ा सा गैप हो गया, ये नहीं है कि भी कुछ बच्चे होते हैं उसमें 19-20 हो जाता है। ये देखिए थोड़ी सी कमी है, लेकिन इसकी फिनिशिंग और ये क्वालिटी ये लाजवाब है, ठीक है ना। अब ये जॉब देखिए कितनी बढ़िया और सुपर जॉब है, ठीक है ना। ये रेडियस है इसके अंदर फिट किया हुआ है, ये देखिए बिल्कुल इसकी की फिटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त की हुई है, ठीक है ना। और ये इसके अंदर रेडियस है। उसके बाद में ये जॉब देखिए कितनी लाजवाब है, सुपर है, सेम एज इट इज डायमेंशन के अकॉर्डिंग ली हुई है। ये देखिए की हमने तैयार करवाई है एनसीवीटी के सिलेबस के अनुसार, पूरा सिलेबस एज इट इज हमने किया हुआ है। कितनी स्मार्ट और सुंदर जॉब है देखिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जॉब ये देखिए, हर जॉब के अंदर एक हुनर है, एक क्वालिटी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। इसके द्वारा यहाँ पर ये फिट हो जाएगी, ठीक है ना। प्रत्येक जॉब में ये नहीं है कि भी एक जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार की अलग अलग जॉब मैं आपको के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए जॉब कितनी सुपर है, ठीक है ना। जैसे हमने लेपिंग कर रखी है, ये मात्र हमारे पास वास्टर्ड फाइल है 10 इंची, उसके द्वारा ही ये फाइलिंग की गई है। फाइलिंग हमेशा हल्के हाथ के द्वारा स्मूथ हमें चलानी चाहिए, बिल्कुल लाइट वेट, यानी जब हम फाइलिंग करते हैं और इसके ऊपर जो जैसे हम फाइलिंग करेंगे, स्ट्रेट फाइलिंग करेंगे ऐसे ऐसे, तो हमारा जो हाथ का जो दबाव है यानी संतुलन है वो बराबर होना चाहिए और बिल्कुल लाइट वेट से हमें फाइल को चलाना चाहिए। ये जॉब देखिए कितनी सुपर जॉब है, ठीक है ना। ये देखिए बिल्कुल, अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कैसे कैसे इसको बनाया गया है, ये कट निकाला गया है, ये देखिए कि कैसे तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये कि, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा इंटरचेंजेबिलिटी में दिक्कत आ जाती है, बाकी ये फिट थी इसके अंदर। तो ये देखिए बिल्कुल, अब रेडियस में इस साइड से फिट करेंगे इसमें अगर हो जाएगा तो कई बच्चों कमेंट भी आए थे कि भाई कैसे हम इसको बनाएंगे सर, आप कैसे कैसे बताते हो बच्चों को करने के लिए काम। तो ये देखिए बिल्कुल होगी ना फिट। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी है, ऐसे 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 जॉब अगर मूव कर रही है, इसका जो आपको मैं कलरेंस दिखाऊंगा, ये वाला देखिए यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी के अंदर कितना कलरेंस है इस जॉब के अंदर, देखिए बिल्कुल, ठीक है ना, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये जॉब को फिट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया है प्रत्येक जॉब के बारे में, फिटर ट्रेड के जो बच्चे थे कैसे कैसे जॉब बनाई हुई है विद इन प्रैक्टिकल हमने बताया है। एक वीडियो नेक्स्ट डालेंगे, इनका प्रोसीजर आपको बताएंगे कि भी फिनिशिंग कैसे होती है, एक्साइंग कैसे होती है, ग्राइंडिंग कैसे होती है, कैसे एक्से के अंदर छोटे कट है उनके द्वारा निकाला जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।